जय हिंद। हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चंडीगढ़ परिवहन विभाग यानी कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बस कंडक्टर एंड बस ड्राइवर भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आपके सामने यहां पर इस तरह से आ जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है, कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म बेसिकली आप 10 अप्रैल 2023 तक भर पाएंगे। तो बेसिकली अभी आपको यहां पर आना है इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर बस कंडक्टर एंड ड्राइवर दोनों को ओपन कर लेना है जिससे कि आप यहां पर पूरी जानकारी इसकी ऑफिशियल वे में देख सके, जैसे कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी। इसके अलावा आप यहां पर आएंगे, आप यहां पर जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो मैं आपके लिए इसके लिए अलग से एक वीडियो सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में बनाऊंगा ताकि आप वहां से इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और सिलेबस के बारे में जानकारी टॉपिक वाइज जान सके। फिर आप यहां पर जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें कि एज लिमिट दी गई है वो यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर जो आपसे योग्यता मांगी हुई है आपकी 12वीं पास, साथ ही आपको बोला कि आपके पास वैलिड कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो। एंड फीस आप यहां पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहां पर आप 3 पेज पर आएंगे तो आप यहां पर क्वालिफिकेशन इसकी चेक कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपका यहां पर अकाउंट नहीं है, आप फ्रेशर है तो आप यहां पर नोट रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सभी को यहीं पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहां पर गाइज बताना है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, बस कंडक्टर या फिर हैवी बस ड्राइवर। अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर ही अप्लाई करना है तो आप एक ही पोस्ट सेलेक्ट कीजिएगा। अब आती है आपकी कास्ट कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है इनमें से, जैसे कि WS, जनरल, OBC, SC, वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपको यहां पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। ये नाम एंटर करने के बाद में आप यहां पर जो आपका फादर का नेम है वो एंटर करेंगे। फिर आप यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे। देन अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहां पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज यहां पर मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है कि आप डिसेबल्ड वुमेन हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहने देंगे। फिर है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन दी बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जो कि परमानेंट हो और कहीं पर भी ये मार्क होना चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई परमानेंट मार्क है आप उसके बारे में लिखेंगे, बट अगर कोई भी मार्क नहीं है परमानेंट तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख देंगे। फिर है वेदर वर्किंग इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, के आप चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर काम कर रहे हैं। अगर हाँ तो आपको रेगुलर परमानेंट बेसिस किस बेसिस पर कर रहे हैं वो आपको बताना है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप नो कर देंगे। फिर आपका जो भी जेंडर है, बेसिकली इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर मेल दिया है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड देन सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आपको यहां पर आपकी लॉगिन एंड जो पासवर्ड है वो देखने को मिल रहा है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपको कंप्लीट योर फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। कंप्लीट योर फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। अभी आप यहां पर सबसे पहले 10th की इंफॉर्मेशन देंगे, तो यहां पर 10th आपने किस साल के अंदर पास की है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। देन आपको बताना कि आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी 10th पास की है, उस बोर्ड का नाम आप यहां पर लिख देंगे। एंड आपको कितने नंबर प्राप्त हुए थे वो आप यहां पर लिखेंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके, यानी कि मार्क्स में कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग यहां पर नंबर देने हैं। फिर जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है कि कितने में से आपको ये नंबर आए थे वो आप यहां पर एंटर करेंगे। देन गाइस इस तरह से आप यहां पर 12th की इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि आपको सेम तरीके से बताना कि आपने किस साल के अंदर आपकी 12वीं पास की है, वो आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या आता है वो आपको यहां पर लिखना है, कितने नंबर आप यहां पर प्राप्त किए थे आपकी 12वीं के अंदर और कितने में से किए थे वो आप यहां पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। इसी प्रकार से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहां पर उस क्वालिफिकेशन का नाम देंगे, जैसे कि BA, BSc, BTech जो भी है आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में, और फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर पास की है, किस
यूनिवर्सिटी के अंदर आपने पास की है और कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे टोटल मिलाकर के, और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। अगर आपके पास नहीं है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। एंड अदर का कोई अगर आपके पास डिप्लोमा है सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि किस साल के अंदर आपने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया, उस इंस्टीट्यूट का नाम, कितने नंबर थे, कितने में से आए थे, ये सब जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। अब आपसे पूछे मीडियम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, यू विल बी गिवन क्वेश्चन बुकलेट इन दिस लैंग्वेज ओनली, यानी कि आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं कि आपको पेपर मिले, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, तीन लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा, तो मैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। डू यू प्रोसेस वैलिड ड्राइवर कंडक्टर लाइसेंस एज पर एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। फिर आता है डू यू प्रोसेस एक्सपीरियंस, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है सिलेक्टेड पोस्ट के लिए, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। अगर आप नो करते हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंडक्टर की पोस्ट पर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं मांगा। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर अगर आप डू यू प्रोसेस एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में यस नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, बट अगर आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहां पर कोई एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसमें यस कर दीजिएगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो आप यहां पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखेंगे, पूरा एड्रेस आपको यहां पर इस कॉलम में लिखना है। फिर आपको यहां पर जो आपकी प्रेजेंट एड्रेस की सिटी है वो आपको एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद में आप यहां पर जो आपका पिन कोड है वो एंटर कर देंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद में आप यहां पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइस यहां पर नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो आपने ऊपर यहां पर एड्रेस भरा वही एड्रेस आप यहां पर सेम तरीके से दोबारा से भर दीजिए, अगर अलग है तो अलग से भर सकते हैं। फिर आपको यहां पर फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, यहां से ओपन करनी है, तो आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। अब आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहां पर भी आपका सिग्नेचर उसको सिलेक्ट करना है, से ओपन करना है, एंड देन अब आप यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इसको अभी भी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहां पर यस करना है और यस करने के बाद में आई एग्री एंड कंफर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहां पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन प्रोसीड फर्दर, तो यहां पर आपको बोला है डिपॉजिट फिलिंग वेट फॉर 24 hours before you click on payment link as it will take minimum 24 hours to transmit your data to the bank. Basically यहाँ पर आपको अभी 24 घंटे का वेट करना है, जब भी आप फॉर्म को भरेंगे फॉर्म भरने के 24 घंटे तक आपको वेट करना है, और उसके बाद में आपको जो लॉगिन आईडी और इन्फॉर्मेशन मिली थी वो डाल करके आप लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पर फीस को जमा करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आप जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ से जमा कर पाएंगे। अभी जो लिंक है वो आपको यहाँ पर ऐसा बोला है कि एक्टिवेट नहीं किया है, बट जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो आप यहां पर अपनी फीस जमा कर पाएंगे। कैसे, आप यहां पर देख लीजिए, जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अभी गाइस जैसे कि इन्होंने बोला है कि आपका जो डिपॉजिट फी लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया, इसको एक्टिवेट करने में 24 घंटे का वेट लगेगा, इसलिए यहां पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, बट 24 घंटे बाद जैसे ही आप यहां पर लॉग इन करेंगे, जहां से आपने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया था यहीं पर लॉग इन करके, तो आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए एक part 2 वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म की फीस जमा करनी है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइज ये थी आपकी CTU चंडीगढ़ बस कंडक्टर एंड ड्राइवर भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।